हेलो गाइस, वेलकम टू इकोनॉमिक क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ डिमांड। हमारे इस टॉपिक के मेन पॉइंट्स है मीनिंग, डेफिनेशन, एग्जम्पशंस ऑफ द लॉ, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, एक्सपोजिशन ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड, एग्जम्पशंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। सबसे पहले हम इसका मीनिंग देख लेते हैं। क्या है मांग का नियम? कीमत तथा मांगी गई मात्रा के संबंध को बताता है। अन्य बातों के समान रहते हुए किसी सेवा या वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर उसकी मांग घटती है तथा कीमत में कमी होने पर उसकी मांग बढ़ती है। अतः मांग का नियम कीमत तथा मांगी गई मात्रा में विपरीत संबंध को बताता है। इसकी परिभाषा दी है प्रोफेसर सी ए सैमुअलसन ने। जब किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि की जाती है तो उस वस्तु की कम मात्रा मांगी जाती है। मांग का नियम गुणात्मक कथन है न कि परिमाणात्मक कथन। इसका अर्थ है कि कीमत में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप यह केवल मांग में परिवर्तन की दिशा को बताता है। यह नियम यह नहीं बताता कि मांग कम होगी या ज्यादा। अब हम इस नियम की मान्यता पढ़ते हैं। मांग के नियम के कथन में अन्य बातें समान हैं। ये महत्वपूर्ण वाक्यांश है। ये नियम की मान्यताओं या सीमाओं को बताता है। प्रोफेसर मेयर्स के अनुसार मांग के नियम लागू रहने के लिए निम्न मान्यताएं होनी चाहिए। व्यक्तियों की आय समान रहनी चाहिए। अन्य वस्तुओं की कीमतें समान होनी चाहिए। व्यक्तियों के स्वभाव और रुचि और पसंदों में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। और जो उसकी वस्तु की स्थानापन्न वस्तु है उनमें भी कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। और जो प्रतिष्ठा प्रदान करने वाली वस्तु है वो भी नहीं होनी चाहिए। नहीं तो इन सब चीजों पर मांग का नियम लागू नहीं होता। अब आता है मांग के नियम का हम चित्र द्वारा कैसे निरूपण करते हैं। मांग के नियम के अनुसार वस्तु की कीमत और उसकी मांगी गई मात्रा में विपरीत संबंध होता है। ये तो हमें पता ही है। हमने मांग के नियम को हमने टेबल और डायग्राम के माध्यम से आपको समझाया है। इसकी जो टेबल है उसमें हमने एक साइड प्राइस दिखाई है, एक साइड डिमांड दिखाई है। जैसे जैसे वस्तु की कीमत ज्यादा हो रही है वैसे वैसे उस वस्तु किसी वस्तु की डिमांड कम होती जा रही है, हमें दिखाई दे रहा है। जब किसी वस्तु की कीमत 10 रुपए है तो उस वस्तु की डिमांड केवल 5 इकाई ही की जा रही है। जैसे वस्तु की कीमत 20 रुपए हो जाती है 4 इकाइयां, और जब वस्तु की कीमत 30 रुपए हो जाती है तो 3 इकाइयां मांग की जाती है। अब हमने इसको डायग्राम में भी आपको दिखाया है। हमने ओ वाई पर प्राइस को दिखाया और ओ एक्स पर हमने आपको डिमांड को दिखाया है। डायग्राम में हमने ओ वाई पर प्राइस को दिखाया है और ओ एक्स पर डिमांड को दिखाया है। जैसे जैसे वस्तु की कीमत ज्यादा हो रही है वैसे वैसे वस्तु की मांग भी कम की जा रही है। अब हमारा क्वेश्चन आता है कि मांग रेखाएं दाएं को नीचे की ओर क्यों झुकती हैं। मांग का नियम वस्तु की कीमत तथा वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा के बीच के संबंध को बताता है। इसलिए जब मांग के नियम को मांग रेखा के द्वारा बताया जाता है तो मांग रेखा बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरती है। ऐसा क्यों होता है, अर्थात कीमत और मांग में उल्टा संबंध क्यों होता है। इस नियम को अच्छे से समझने के लिए हमें कुछ बातों को समझना होगा, कुछ पॉइंट्स को समझना होगा। सबसे पहला पॉइंट है हमारा उपयोगिता हास। उपभोक्ता किसी भी वस्तु के लिए कीमत उसकी सीमांत उपयोगिता के अनुसार देता है। किसी वस्तु की अधिक इकाइयों का प्रयोग करते जाने से उपयोगिता हास नियम के अनुसार उस वस्तु की उपयोगिता घटती जाती है। अतः उपभोक्ता उस वस्तु की अधिक इकाइयां तभी खरीदेगा जब उस वस्तु की कीमत कम होगी। इस प्रकार उपयोगिता हास नियम के अनुसार कम कीमत पर वस्तु की अधिक मात्रा तथा ऊंची कीमत पर वस्तु की कम मात्रा खरीदी जाती है। सेकंड पॉइंट है आय प्रभाव। आय प्रभाव भी मांग के नियम की व्याख्या करता है। आय प्रभाव बताता है कि मांग रेखा बाएं से दाएं नीचे की ओर क्यों गिरती है। किसी वस्तु की कीमत में कमी वास्तव में उपभोक्ता की आय में वृद्धि के समान होती है। इसी प्रकार किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि वास्तव में उपभोक्ता की आय में कमी के समान होती है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रतिस्थापन प्रभाव। यदि किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है और अन्य बात वस्तु की कीमतें अपरिवर्तित रहती हैं तो लोग इस वस्तु के स्थान पर अन्य वस्तु का प्रयोग करने लगेंगे और इस वस्तु की मांग कम हो जाएगी। अतः स्पष्ट है कि प्रतिस्थापन प्रभाव के परिणाम स्वरूप वस्तु की कीमत गिरने पर उसकी मांग बढ़ती है और कीमत बढ़ने पर उसकी मांग घटती है। इस प्रकार मांग रेखा बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरती जाती है। नेक्स्ट है कुछ नए व्यक्तियों के प्रवेश या कुछ के बाजार छोड़कर जाने का प्रभाव। जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो कुछ लोग उस वस्तु को खरीदना बंद कर देते हैं, अतः वस्तु की मांग घट जाएगी। इसके विपरीत जब किसी वस्तु की कीमत कम होती है तो लोग जो पहले इस वस्तु को नहीं खरीद रहे थे वे भी अब उस वस्तु को खरीदने लगेंगे और इस प्रकार वस्तु की कुल मांग में वृद्धि हो जाती है। अब हम मांग के नियम के अपवाद देखते हैं कि मांग रेखा ऊपर की ओर चढ़ती हुई क्यों होती है। कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जब मांग का नियम लागू नहीं होता है, अर्थात कीमत तथा मांग में उल्टा संबंध नहीं बल्कि सीधा संबंध होता है। मांग रेखा नीचे की ओर जाने के बजाय ऊपर की ओर चढ़ती हुई होती है। फर्स्ट पॉइंट है बुनियादी जरूरत की वस्तुएं। वे वस्तुएं जिनको उपभोक्ता नित्य प्रति उपभोग करते हैं जैसे आटा चावल दाल आदि, यदि इन वस्तुओं का मूल्य बढ़ भी जाए तो भी व्यक्ति इनका उपयोग करना बंद नहीं करेंगे, उपभोग करना नहीं छोड़ेंगे।
अतः यह मांग के नियम के अपवाद की स्थिति बन जाती है। सेकंड पॉइंट है विलासिता की वस्तुएं। जो वस्तुएं दिखावे के लिए प्रयोग की जाती हैं, यदि उन वस्तुओं की कीमत बढ़ भी जाती है तो भी लोग इन वस्तुओं को खरीदना नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये वस्तुएं समाज में प्रतिष्ठा को दिखाती हैं, अतः यह भी मांग के नियम के अपवाद की स्थिति बन जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है गिफ्ट इन वस्तुएं। ये वस्तुएं वे होती हैं जो निम्न कोटि की होती हैं। यदि किसी व्यक्ति की आय कम हो जाती है तो वे गेहूं के मुकाबले बाजार में बाजरा का उपभोग करने लगेगा और वहां बाजरा खरीद कर लाएगा, क्योंकि वह सस्ता है। लेकिन यदि उसकी आय बढ़ जाती है तो वह बाजरे के मुकाबले गेहूं का आटे का यूज करेगा। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट दुर्लभ वस्तुएं। दुनिया में कई वस्तुएं ऐसी होती हैं जो दुर्लभ होती हैं, उनकी मात्रा बहुत सीमित होती है। जैसे दुर्लभ पत्थर जो कि धरती के नीचे पाए जाते हैं, ये चीजें बहुत महंगी होती हैं, लेकिन फिर भी लोग अपने शौकों को पूरा करने के लिए इन्हें खरीदते हैं, अतः ये वस्तु भी मांग के नियम को पूरा नहीं करती। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहीं कम्प्लीट होता है।